खुली आसमान में चल रहा है कोयरा वेस्को कार्यालय। सुंदरगढ़ जिले के कोयरा ब्लॉक में भारी बारिश होने से ब्लॉक के बिजली विभाग के वेस्को कार्यालय में बारिश का पानी घुस गया है। वहीं दूसरी ओर कोयरा बिजली विभाग कार्यालय में काम करने वाले सभी कर्मचारियों को झाड़ू लगाते हुए और पानी को बाल्टी से निकालते हुए देखा गया है, क्योंकि वहां कोई जल निकासी की व्यवस्था कुछ भी नहीं थी। वेस्को के कर्मचारियों को कार्यालय के बाहर खड़े रहकर काम करते हुए देखा गया है। यहां तक कि बिजली उपभोक्ताओं जो अपने बिलों का भुगतान करने आए थे, वे भी इस बारिश के पानी में खड़े होकर अपनी व्यथा प्रकाश कर रहे हैं। बारिश का पानी वेस्को कार्यालय में घुसने के बाद भी कोयरा विद्युत विभाग के कनिष्ठ जूनियर इंजीनियर कहां गए। अगर बारिश के पानी में बिजली विभाग बहेगा तो लोगों बिजली समस्या की शिकायत करने आए भी तो कैसे। ये सच है कि राज्य सरकार ने शक्ति विभाग में 5 भाग शामिल किया है, लेकिन कोयरा वेस्को कार्यालय में इसका विपरीत परिणाम दिखाई दे रहा है। क्या 5 का मतलब इस कार्यालय के जूनियर इंजीनियर और कर्मचारी नहीं जानते हैं? यदि वर्षा पानी कार्यालय में प्रवेश करता है तो क्या उपभोक्ताओं को परेशान किया जाना चाहिए? जूनियर इंजीनियर ने इस समस्या के लिए कहीं और एक अस्थायी कार्यालय स्थापित क्यों नहीं किया? ऐसे कई सवालों ने खलबली मचा दी है। सुंदरगढ़ कोयरा से नगेश चंद्र पाड़ी की रिपोर्ट, B24 न्यूज़ एक्सप्रेस। हमरो ऑफिस इजोटी ऑफिस रे पानी पसी जाउ छी, बारंबार रास्ता ऊंचा हो जारु। आगरु पस्तरा ना एबे नो आजि पस्तरा टिके आया तले कागज पत्र सब ऑफिस काम बाहर चल छी। बाहर चल छी आगे सडा केते बळ आज जेई सर कोन नांती आजि ऑफिस रे आछले एबे गले सारे 10 फील्ड जाय छै फील्ड वर्कर एबे नै छले। फिर बह गया भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग। सुंदरगढ़ जिले के राजमार्ग से जाजपुर जिला पानी कोयले जाने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग 215/520 16 तारीख को भारी बारिश के कारण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग के कोयरा ब्लॉक अंतर्गत नारायण पोशी चौक के पास आरकेडी कंस्ट्रक्शन द्वारा यातायात करने के लिए निम्न मान के अस्थायी पुल पर बारिश का पानी गिरने के कारण पुल का आधा हिस्सा पानी में बह गया, जिस कारण हजारों की संख्या में खनिज ट्रकों और यहां तक कि छोटे वाहनों को सड़क के दोनों ओर खड़े हो जाने से यातायात संपूर्ण रूप से बंद हो गई। 4 घंटे की मरम्मत के बाद यातायात फिर से सामान्य हो पाया था, लेकिन अस्थायी पुल गुरुवार को फिर से घस गया था। चाहे वह राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की लापरवाही हो या आरकेडी कंस्ट्रक्शन की लापरवाही हो, हजारों ट्रक चालक और यातायात करने वाले जनसाधारण इस राष्ट्रीय राजमार्ग के भरोसे हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? जब बार बार बारिश के पानी से पुल बह रहा है तो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण चुप क्यों है? इतने बड़े ठेकेदार कंपनी के इतने अस्थायी पुल के बह जाने की वजह आखिर क्या है? क्या ठेकेदार गलत निर्माण शैली या अविकसित क्षेत्र के बारे में सोचकर काम कर रहा है? इस तरह के कई सवाल सभी के मन में है। इस पर स्थानीय लोगों की मांग है कि प्रशासन जल्द इस अस्थायी सड़कों और अस्थायी पुल की गुणवत्ता में सुधार करें। सुंदरगढ़ कोयरा से नगेश चंद्र पाड़ी की रिपोर्ट, B24 न्यूज़ एक्सप्रेस।